नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। आई एम वेरी सॉरी, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही है। मेरा बहुत खुद ही मन ऐसा लग रहा था कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा बिजी था। बहुत सारी शूटिंग करी, बहुत सारी क्लिप्स हैं जो मैंने इंस्टाग्राम में डाली है, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इंस्टाग्राम में मेरा बेबी साहब BDSABH। बट आज आपसे प्रॉमिस करेंगे हम कि वीडियोस रेगुलरली आपके लिए डालते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वीडियोस बनाना मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियोस देखना आपको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर यार ब्रेक बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, अभी एक नई ट्रिप आने वाली है बहुत जल्दी, कहाँ जाने वाला आपको बताऊंगा। बट आज हम बात करने वाले किसी और चीज की। मैंने थोड़े दिन पहले खरीदा था एक फोन, फोन का नाम है सैमसंग नोट 10 खरीदा, रेड कलर का। मैंने बहुत ही शानदार फोन है यार, चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अनबॉक्सिंग उसकी बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगी। इसमें एक ऑफर चल रहा था कि अगर आप वो फोन खरीदते हो जो एयरबड्स है सैमसंग के कान में लगाने वाले, वो आपको मिल जाएंगे कुछ 5,000 रुपए के। और अगर आप चाहते हैं तो जो उनकी एक नई वॉच आई है स्लीक वॉच, वो आप ले सकते हैं, वो उसकी कीमत है 20,000 रुपए, वो आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए में। जो कि मेरे पास एप्पल वॉच है और मेरे पास कान वाले एप्पल के भी हैं, एप्पल एयरपॉड्स जो भी आप उनको बोलना चाहते हो। तो मैं चाहता था कि यार सैमसंग की ट्राई करते, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा कि सैमसंग की वो जो उनकी आवाज़ बहुत शानदार है। डब्बा हमारे पास आ चुका है, लिफाफे में आया था सैमसंग के, ये पड़ा उसका लिफाफा, खोलते हैं और उसको देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। क्या ये है वो बॉक्स जो मुझे डिलीवर हुआ, इसको मैं खोल चुका हूँ, क्योंकि जब डिलीवर हुआ, अंदर का बॉक्स मैंने अभी तक खोला नहीं है, क्योंकि मुझे जब डिलीवर हुआ मुझे देखना था सब सही सलामत है कि नहीं। आई गेस सील इसमें अभी भी लगी हुई है। जी हाँ, सील इसमें लगी हुई है। यहाँ पर आपको बिल मिल जाएगा, सामने की साइड देखें तो यहाँ पर बड्स लिखा हुआ है, उनकी पिक्चर बनी हुई है, सैमसंग का लोगो मिल जाएगा आपको अगर हम पीछे की साइड यहाँ पर देखना चाहें। और इधर अगर हम बात करें तो इनकी कीमत और फालतू की चीज़ें सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो इसकी कीमत है 10,000 रुपये, बट ये मिला है 5,000 रुपये में, जो कि सैमसंग का ऑफर है, कोई भी अवेल कर सकता है। सॉरी भाई, कोई अच्छा चाकू नहीं मेरे पास, इसीलिए हम नॉर्मल चाकू से इसको, भाई इधर भी लगा हुआ है, इधर प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ है जो हमें खोलना पड़ेगा। अच्छा, ये काटना बहुत मुश्किल है, ये हाथ से नहीं काट सकते थे। अगर आप इसको कितने इजीली खुल गया। और यहाँ पर देखिए डब्बे के अंदर क्या निकलता है, ये हमारे एयरबड्स हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो एक छोटा सा बॉक्स निकला है, बॉक्स के पीछे आई डोंट नो क्या है। ओके, बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाएगा इसका, यानी कि आप जो इसको चार्ज करने वाले इस बॉक्स को, वो आपको चार्जर इसके अंदर मिल जाएगा। आई होप ये टाइप सी होगा। जी हाँ, ये टाइप सी है, बिल्कुल टाइप सी है। और अगर इसको अंदर हम देखते हैं तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा बड्स मिल जाएंगे जो कान में लगाने के लिए हैं। ये चीज़ें इतनी कुछ खास नहीं है, जो अपना मेन बॉक्स है वो है ये। इसको हम देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। बहुत ही छोटा है यार, बहुत ही छोटा। मैं आपको एप्पल के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ, एप्पल और ये है सैमसंग। साइज देखिए, एनी डे एप्पल फिर भी छोटा ही है, सैमसंग फिर भी बड़ा है, एप्पल छोटा है। इसको खोल के फटाफट देखते हैं अंदर। ओए, तो ये हमारा बॉक्स, सामने की साइड आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, पावर्ड बाय AKG। जितने भी सैमसंग के जो भी आते हैं ईयरफोन्स, वो सब AKG के ही आ रहे हैं आजकल। जो नोट 10 है उसके अंदर भी AKG के। ओ वाओ, ये बहुत ही कलर, जैसे ही मैंने खोला ये रेड कलर की बत्ती जल गई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट साइड का ये है जो राइट साइड के कानों में जाएगा। अच्छा, यहाँ पर नीचे चार्जिंग पोर्ट दिए हैं, मतलब यही चार्जर है, इसी से आप चार्ज करने वाले हैं। और लेफ्ट साइड का ये है, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं अपने नोट 10 से और देखते हैं आवाज़ कैसी आती है कैसी नहीं, बैटरी इसमें कितनी है, सेटअप इसको करने का क्या तरीका है क्या नहीं, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बट यहाँ पर ये दिखा दो, ये एप्पल के हैं, इसको हम इस तरह से खोलते हैं, इसके अंदर ये निकलते हैं। और एप्पल के एनी डे, आई मीन पतले हैं, स्लीक है, सब है, बट वो जो है थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे देखने में। उनमें लंबाई नहीं है, वो लंबे नहीं है, छोटे से हैं, बट कान में जाने वाले पोर्शन यहाँ पर कान पे बहुत ज़्यादा बल्की लगने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एप्पल के भी लगा के दिखाऊंगा, सैमसंग के भी लगा के दिखाऊंगा, जो आपको पसंद आए वो खरीदिए। ये है अपने सैमसंग का नोट 10 और ये है अपने सैमसंग के ईयरबड्स। इनको हम फटाफट यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सेटअप, फिर इसको कान में लगा के आपको दिखाते हैं क्या फील आती है क्या नहीं आती है, और एप्पल से इसको कंपेयर करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो भाई साहब, अनबॉक्सिंग हो गई है, अब आपको दिखाना है कान में लगाने के बाद ये कैसे दिखते हैं कैसे नहीं। अगर आप राइट साइड पे देखोगे, मेरे राइट कान में जो लगा हुआ है ये है सैमसंग का, और ये इस तरह का लुक आपको दे रहा है, जो कि ब्लैक कलर का है, पूरा कान ढक रहा है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है एप्पल का। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बहुत ज्यादा, कि ये जो सैमसंग वाले हैं ये आवाज को, मतलब बाहर की आवाज को, सराउंडिंग नॉइज को बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों लगा लोगे तो आपको बाहर की आवाज बहुत ज्यादा कम सुनाई दे रही है, बट कि एप्पल में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बात सच है कि जो सैमसंग के एयरबड्स हैं उनकी साउंड क्वालिटी एप्पल के साउंड क्वालिटी से लाख गुना ज्यादा अच्छी है। दूसरा, आप ये कान में लगाते हो तो आपको इतना दर्द नहीं होता, और अगर आप एप्पल के लगातार कान में लगा के रखते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा दर्द
होने लगता है, ये मैंने फील किया, आई डोंट नो, हर इंसान का अलग सोचने का तरीका हो सकता है कि उसको दर्द हो रहा है कि उसको दर्द नहीं हो रहा है, बट आप फिर से देख सकते हैं एप्पल वाले ये ऐसे देखने में लगते हैं, सैमसंग वाले ऐसे देखने में लगते हैं। आवाज इनकी भी बुरी नहीं है, आवाज इनकी भी बहुत अच्छी है, मैं बताऊं आप इनको भी एंड्रॉइड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप आईफोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये मैं चेक करके आपको बता दूंगा, बट यहां पर आप इनको एंड्रॉइड के साथ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पिछले 20-25 दिनों से मैं इनको एंड्रॉइड के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं। बट इनके जो फीचर्स होते हैं, आप डब्बा खोलोगे ऑटो कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ और उसकी बैटरी दिखाने लगेगी, वो सारे फीचर्स एंड्रॉइड में नहीं चल पाएंगे, बट हाँ ये सच है कि आप जैसे ही उसका ढक्कन खोलोगे वो जिस फोन के साथ कनेक्टेड है उसके साथ फटाफट कनेक्ट हो जाएगा, ये फीचर आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएगा जो कि सैमसंग वाले में भी है उसमें भी है। अगर आप मेरा सजेशन मांग रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर फोन खरीद रहे हो आईफोन तो आप इसी के साथ जाना क्योंकि आईफोन के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप गाना वाना बहुत रेगुलर सुनते रहते हैं, बहुत क्वालिटी की आवाज चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप ये वाले खरीदना क्योंकि जो बाहर की आवाज दब रही है, अगर आप ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करते टाइम आप चाहते हैं कि कुछ कनेक्ट करके आप सुनते रहें, तो आप ये खरीद सकते हो। तो यहाँ पर यार ये थी इसकी अनबॉक्सिंग बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर मैं आपसे फिर से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं वीडियोस लगातार नहीं डाल पा रहा था, बट यहाँ पर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब वीडियो रेगुलर आती रहेगी, जो पुरानी वीडियोज है वो भी डालता रहूंगा। अगले वीक कहीं घूमने जाने वाला हूँ उसकी भी व्लॉग बनाऊंगा, एक नया कैमरा खरीदने का सोच रहा हूँ कौन सा है वो भी बताने वाला हूँ, बट ये सब चलता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यार लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, इसी तरह से देखते रहो मेरी वीडियोस को और आपके लिए वीडियोस इसी तरह से आती रहेगी। फिर से सॉरी 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 अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे और मैं वीडियो टाइम पे नहीं डाल पाया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।